हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमें देख रहे हैं लियो और यानी सिंह राशि के लिए जुलाई 2024 में आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहेगी, इसी को लेकर ये रीडिंग है। गर्ल्स बॉय सभी के लिए रीडिंग होगी जो सिंगल है, मैरिड कपल्स हैं, यहाँ पर अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप सभी के लिए यहाँ रीडिंग और मैसेजेस होंगे। यहाँ मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। टैरो डेक के साथ स्टार्ट करते हैं आपके लिए। ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए लियो। फर्स्ट आपके लिए टैरो डेक से स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो यहाँ आपके लिए कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड आपके लिए यहाँ नाइट ऑफ सॉर्ड्स का दिख रहा है। तो यहाँ आप में से कुछ लोग जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ रिलेशनशिप में हैं, यानी मिथुन तुला और कुंभ आपके पार्टनर की राशि है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो एयर साइन की तरफ से आपके लिए एक लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल या एक फ्रेंडशिप ऑफर हो सकती है इस मंथ में। और इसी तरह की स्टार्टिंग आपके लिए हो रही है लव लाइफ में। नेक्स्ट कार्ड यहाँ आया है द एम्परर का। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ आपके फादर की वजह से काफ़ी ज़्यादा सफ़र हो रहा है। आपको आपकी लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा अप डाउन्स देख रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर या आपके फादर जो है बहुत डोमिनेंट है और उनका इंटरफेयर बहुत है आपके जीवन में, कंट्रोल इश्यूज़ हैं उनकी तरफ से। यहाँ आप देख रहे हैं आपके पार्टनर जो हैं वो इस चीज़ को बहुत जल्द कह सकते हैं, इसी वजह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस संशय में है कि ये रिश्ता आगे बढ़ भी पाएगा या नहीं। और ऐसा आपके फादर या उनके फादर की इंटरफेयर की वजह से है, बहुत कंट्रोलिंग नेचर है उनका और इसी वजह से आप मिल नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं दूरियां हो गई है और यहाँ ऐसा दिख रहा है। वहीं आपके लिए कार्ड आया है सिक्स ऑफ वॉन्स का। पर कैसी भी परेशानियाँ हो, सिक्स ऑफ वॉन्स विक्ट्री कार्ड माना जाता है। तो इस मंथ में आपके लिए जितने भी चैलेंजेस हो उससे आप दूर अपने आप को कर लेंगे। आपके पार्टनर और आप जो हैं वो अपनी समझ की वजह से आप बहुत जल्द इन इश्यूज को सॉल्व कर लेंगे अपने लिए, चाहे वो कैसे भी इशू हो। और सिक्स ऑफ वॉन्स जैसा विक्ट्री कार्ड माना जाता है तो आपके लिए सब चीज़ें सॉर्ट आउट होने के चांस बन रहे हैं इस मंथ में। तो मिलकर बैठकर आप अगर बात करते हैं तो आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे बहुत सारे और आपको उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा जिन प्रॉब्लम्स से अभी तक आप डील कर रहे थे। तो इस मंथ को आप ज़रूर कह सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगाएं क्योंकि आपके लिए मंथ सक्सेसफुल मंथ होने वाला है। वहीं नेक्स्ट कार्ड आया है द लवर्स का। तो आपके लिए ऐसा लग रहा है जो सिंगल हैं स्पेशली उनके लिए ऐसा लग रहा है कि आप अपने सॉलमेट से मिल सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत लविंग पर्सन हो सकते हैं, रोमांटिक हो सकते हैं ये। और जिनके लिए आप डेस्टाइंड हैं उनसे आपका फर्स्ट मीटिंग इस मंथ में होना दिख रहा है। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में काफ़ी लवी डवी मूमेंट्स आ सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत यादें बन सकती है इस मंथ में, ऐसा दिख रहा है। वहीं आप के लिए हम अगर देखें तो कार्ड आया है फोर ऑफ सोर्स का। तो कुछ कपल्स के लिए ऐसा चल रहा है लियो कि आपका अभी ब्रेकअप का फेज चल रहा है या आपने किसी रिश्ते से अपने आप को दूर कर लिया, कोई ऐसा इंसान था जिसने शायद आपको चीट किया और धोखा दिया। जुलाई के जस्ट पहले की एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ये अभी की एनर्जी भी हो सकती है कि आप जिस पर ट्रस्ट कर रहे थे, जिस पर भरोसा कर रहे थे, उस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा और इसी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं, ओवर थिंकिंग में हैं, आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस थे, मिथुन तुला और उनकी कुंभ राशि हो सकती है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे और एक ब्रेकअप का फेज जैसा आ गया कुछ कपल्स के बीच में। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, बिल्कुल बात नहीं हो पा रही है या ऐसा कुछ कर दिया आपके पार्टनर ने जिसकी वजह से आप उन्हें माफ़ नहीं करना चाहते, ऐसा कुछ हुआ है अभी रिसेंटली। वहीं अगर ऑरेकल डेक से कार्ड देखें तो गार्डन एंड द गेट का कार्ड है। कुछ लियो जो है काफ़ी टाइम से किसी इंसान का वेट कर रहे हैं पर यहाँ आपके लिए लग रहा है कि ये वेट करना आपकी चॉइस है। यहाँ जैसा दिख रहा है कि यहाँ लॉक लगाया है इस गर्ल ने और ये गेट बंद है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग जो सिंगल हैं उनके लिए भी ऐसा लग रहा है कि आप किसी को अपने पास नहीं आने देना चाहते अभी क्योंकि आपकी अपनी एक चॉइस है,
जब तक वो पर्सन आपको नहीं मिल जाते जैसा आप चाह रहे हैं अपने लिए जीवन साथी या एक पार्टनर आप जैसा चाह रहे हैं वैसा अभी तक शायद आपको नहीं मिले हैं, और इस चीज़ को लेकर आप कह सकते हैं बहुत पर्टिकुलर है, और इसी वजह से आप किसी को अपने आप पास नहीं आने देना चाहते। जैसे ही आपके आसपास कोई आता है आप अपने आप को बहुत सेल्फ सेंटर्ड कर लेते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। तो आपको थोड़ा सा ओपन अप होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में लिखी है वो तभी आएगी जब आप थोड़ा सा ओपन अप रहें नए लोगों को लेकर, और अपने आप को कह सकते हैं वर्सेटाइल बनाएं, इस तरह का आपके लिए लग रहा है। और यहाँ कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं आप, काफ़ी पेशेंस के साथ आपने वेट किया है और अभी भी कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए लग रहा है। वही नेक्स्ट कार्ड आया है पॉसिबिलिटीज़ का, तो आपके जीवन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, जैसा आप चाहेंगे जीवन आपका उसी तरफ चला जाएगा। यूनिवर्स आपको चॉइस दे रहा है इस मंथ में, अपने आप से आप जिस रास्ते को चाहें चुन सकते हैं और वहाँ आपको आपका डेस्टिनेशन मिल जाएगा। तो यहाँ आपके हाथ में चॉइस है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, ऐसा आपके लिए दिख रहा है। वहीं आपके लिए कार्ड आया है सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल, तो आपका सेकेंड चक्र जो है वो इस मंथ में बैलेंस में आएगा, और इसी वजह से एक डीप इंटीमेट कनेक्शन आप अपने पार्टनर के साथ फील कर पाएंगे। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में थे, जैसा गार्डन गेट का कार्ड ही बता रहे हैं कि काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं किसी पर्सन का, या आप अपने पार्टनर का ही वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो वो दूरियाँ अब इस मंथ में, स्पेशली मिड मंथ में, जुलाई के मिड में आपको ये दूरियां खत्म होती हुई दिखेगी। आपके पार्टनर आपसे फिर से मिलने आ सकते हैं, बातचीत हो सकता है, ऐसा आर्कएंजल एरियल की ब्लेसिंग से होगा आपके लिए। वॉकिंग अवे का कार्ड ही बता रहा है कि डेफिनेटली कुछ लियो का ब्रेकअप हुआ है और कुछ लोगों ने अभी किसी रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, अब अपनी सेल्फ ग्रोथ पे आप ध्यान देना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है कुछ लियोज के लिए। वहीं नेक्स्ट कार्ड आया है कम्युनिटी का, तो यहाँ इस मंथ में आपके लिए एक सेलिब्रेशन का मौका आ रहा है, एक गुड न्यूज़ आ सकता है जिसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे, पार्टी फंक्शन का मौका आ रहा है जिसे आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं और काफ़ी हैप्पी फील करने वाले हैं। लियो आप अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट होता हुआ देखेंगे, और यहाँ इसी तरह की एनर्जीज़ है। वहीं गाइडेंस कार्ड में आपके लिए आया है आर्कएंजल यूरियल का कार्ड आया है, और मैसेज है बिकम ए पीस एम्बेसडर। जी, इस मंथ में आप काफ़ी पीसफुल रहने वाले हैं, अपने आप को आप हील होता हुआ फील करेंगे, ऐसी एनर्जीज रहेगी आपकी। नेक्स्ट कार्ड आया है आपके लिए एस्पिरेशन का कार्ड है, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। जी, आपको यहाँ कहा जा रहा है लियो कि आप एक सितारा हैं और यहाँ आप शाइन करने के लिए बने हैं, आप असीमित हैं, तो अपनी एनर्जीज को सही दिशा में लगाएं, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काम ज़रूर करें इस मंथ में। जो भी आपका कैरियर पाथ है, जो भी आपके ड्रीम्स थे, उनसे गिव अप ना करें, उन पर मेहनत करें आप, क्योंकि आप स्टार हैं, आप स्टार बनने के लिए बॉर्न हुए हैं। आपको ऐसा मैसेज दे रहे हैं यूनिकॉर्न्स, यूनिकॉर्न्स जो गॉड के मैसेंजर्स हैं, आपके लिए इसी तरह का एक मैसेज लाए हैं। वहीं नेक्स्ट कार्ड आया है आपके लिए हेल्प का, और जो मैसेज है द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे सो कीप वॉचिंग फॉर इट। लियो, आप में से कुछ लोग काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई आपके साथ नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके साथ गॉड है और गॉड के मैसेंजर्स हैं। यहाँ आप देख रहे हैं यूनिकॉर्न, जो हेल्प आप अपने लिए चाहते हैं उसके लिए आपको प्रेयर करनी होगी। जो भी आपका रिलीजन है, या आप अगर स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस नहीं है, स्पिरिचुअल भी हैं, तो आप कनेक्शन रखें इस यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ, जो भी आप बिलीव करते हैं वहाँ आप मैनिफेस्टेशन जारी रखें, आपको गॉड ज़रूर हेल्प करेंगे इस सिचुएशन में, भगवान आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो अपने लिए आप जो एंजेलिक हेल्प चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी, उसके लिए आप ओपन अप रहें उस हेल्प को रिसीव करने के लिए, ऐसा भी कहा जा रहा है। वहीं हम देख रहे हैं लियो के लिए जो पर्सन आ सकते हैं उनके इनिशियल्स जॉडिक साइन, और आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ मैसेज क्या होगा ये भी हम देख रहे हैं। पी नाम से हो सकता है, कुछ लोगों के पार्टनर का नाम क्यू उनके इनिशियल्स में आ सकता है, ओ एल एस यू जे, आपके पार्टनर की राशि वर्गो हो सकते हैं, वो जिनसे आपका कनेक्शन बने, कैंसर हो सकते हैं, कर्क राशि के, जैमिनी हो सकते हैं, मिथुन राशि के, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, कुंभ राशि के। आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज होगा इस मंथ में, थ्री मैसेजेस हैं। योर वॉइस इज़ माई फेवरेट साउंड, आपकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। आई स्टार्ट मिसिंग यू द मोमेंट यू लीव,
आप जब उन्हें छोड़ के जाते हैं वो आपको बहुत मिस करते हैं। आई ड्रीम ऑफ यू एवरी नाइट माई स्वीट हार्ट, जी हर रात वो आप ही के सपने देखते हैं, ऐसा मैसेज है। तो आप लोगों के लिए ही मैसेजेस से और ये रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए हैप्पी एंड ब्लेस्ड मंथ लियो।